नमस्कार, स्वागत है आपका चौपाल समाज के चैनल पर। मैं हूं आपके साथ संजीव समीर। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। नमस्कार, प्रस्तुत है पटना से सौम्या की खास रिपोर्ट। नीतीश सरकार ने विधायकों को दिया तोहफा, 33% सैलरी हाइक के बाद अब सस्ते मिलेंगे आलीशान प्लॉट। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने सभी विधायकों को बड़ा तोहफा दिया है। सभी को सरकारी कीमतों पर करीब 2 कट्ठा का एक एक प्लॉट खरीदने का मौका दिया जा रहा है। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन और बिहार लैंड डेवलपमेंट बैंक को राजधानी के आशियाना नगर में जगह बनाने के लिए नोडल संस्था के रूप में नामित किया है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार की अध्यक्षता में स्वावलंबी गृह निर्माण सहयोग समिति यह काम देखेगी। बिहार के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर इस्क सचिव और बीजेपी विधायक सचिंद्र कुमार इसके कोषाध्यक्ष होंगे। इसके तहत उन विधायकों को मौका मिलेगा जिनका अब तक राजधानी पटना में अपना घर नहीं है। अब तक 100 विधायक इसके लिए फॉर्म भर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद बाकी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। कई विधायक ऐसे हैं जिन्हें इस चुनाव में टिकट मिलने की उम्मीद नहीं है, वे तेजी से इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश में हैं। बता दें कि पटना में वेटरनरी कॉलेज के पास विधायकों की एक आवासीय कॉलोनी पहले से बनी हुई है। इसमें राधानंदन झा, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, रामविलास पासवान, रघुवंश प्रसाद सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी, नंद किशोर यादव जैसे दिग्गज नेताओं के घर हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने विधायकों के लिए डुप्लेक्स बंगले बनवाए हैं। इसमें करीब 600 करोड़ रुपए की लागत आई है। बता दें कि राज्य में विधानसभा के 243 और विधान परिषद के 75 सदस्य हैं। दिसंबर से इसके लिए पजेशन मिलने शुरू हो जाएंगे। राज्य में फिलहाल 243 विधानसभा और 75 विधान परिषद सदस्यों को मिलाकर कुल 318 विधायक हैं। बता दें कि नीतीश कुमार की सरकार में नवंबर 2018 में ही विधायकों के वेतन में 33% बढ़ोतरी की गई थी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। वीडियो पसंद आया तो चौपाल संवाद टीवी के इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबा लें। धन्यवाद।